अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो अबाउट रेजिडेंट परमिट। सो इट्स बिन 3 to 4 days आई हैव अराइव्ड इन इटली। सो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि थिंग्स टू डू वेन एवर यू आर अराइविंग इन इटली, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज अप्लाई फॉर योर परमिसो सोजोर्नो विच वी कॉल रेजिडेंट परमिट एज वेल। सो उसके लिए होता है कि काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक चेकलिस्ट होती है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है यहाँ पे पोस्ट इत्ते ले आने के लिए, वो एक पोस्ट ऑफिस होता है यहाँ पे हर एक सिटी में। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे सिंपली आपको क्या होता है कि किट लेनी पड़ती है जो कि मैं आपको वहाँ पर लेके फिर आपको शो कर दूँगा। एंड उसको फिर नेक्स्ट डे या उसी दिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप उसको सबमिट करा देते हैं विद 103 euros। एंड उसके साथ मार्कर भी भूलो का एक स्टैम्प होता है, वो भी आपको तबाची शॉप से लेना होता है, अबाउट 16 euro आई थिंक जी। तो ये टोटल कॉस्ट अराउंड 120 euro 119 euro लग जाती है। देन जैसे ही आपको वो सबमिशन हो जाती है किट की, तो आपको एक वो रिचीबूता यानी रिसीट आपको दे देते हैं। देन मीन्स कि योर केस इज़ फॉरवर्ड टू द कस्तूरा। कस्तूरे में फिर ऑलमोस्ट वो डिपेंड करता है कि किस सिटी में आप, कितनी पॉपुलेटेड सिटी है। तो किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को तो 6-6 महीने बाद की डेट मिलती है ऑफ योर बायोमेट्रिक्स। सो जब आप बायोमेट्रिक देने जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको बताया जाता है कि बाय मैसेज या बाय ईमेल के ऑन दैट डेट यू हैव टू कलेक्ट योर परमिसो। जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं पोस्ट इत्तालियाने, जो पोस्ट ऑफिस जहां से मैंने बताया था कि सुजोर की किट ली जाती है रेजिडेंट परमिट के लिए। तो पहले, सबसे पहले यहां पे आपको आना होता है, सुजोर किट लेते हैं, देन यू आर एबल टू अप्लाई फॉर योर रेजिडेंट। पोस्ट इत्तालियाने के अंदर चलते हैं और मैं वो किट लेके फिर आपको मैं शो करता हूँ। स्कूल कैन आई हैव रेजिडेंट परमिट किट? किट किट सी सी जी दोस्तों, तो ये किट हमने ले ली है, इस पर दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मगर इसमें जब हम फिल करके भेजेंगे वापस तो फिर ये वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 120 euro फीस होती है इसकी, वो देनी पड़ती है। ये थर्ड डे था इन इटली, तो सबसे पहला काम सिम खरीद करने के बाद आपको रेजिडेंट किट लेनी होती है और उसको हम फिल करके एज सून एज पॉसिबल जमा कराना है, ताकि जितना जल्दी हो सकेगा आपको फिर बायोमेट्रिक की जो है वो डेट मिल सकेगी। जैसे ही आपको बायोमेट्रिक की डेट मिलती है, देन यू हैव टू गो टू द कस्तूरा पुलिस स्टेशन एंड फिर आपको वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बायोमेट्रिक लेके, तो फिर आपको वेट करते हैं तकरीबन 1 महीना तकरीबन, तो फिर आपको वो परमिसो सोजोर्नो मिल जाता है। तो मैं वो भी आपको बताऊँगा, शो करूँगा। फिलहाल मेरे आप साथ वीडियो में स्टे कनेक्टेड रहें, और जो मैंने लिंक दिया है उस पर आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के कनेक्ट कर सकते हैं, और डू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाउ आर यू ऑल? एक्चुअली जो मेरी अपनी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि पोस्ते इत्ते ले आने जाना पड़ता है रेजिडेंट परमिट एक्चुअली एप्लीकेशन डालने के लिए, तो उसमें कपल ऑफ डेज लगते हैं। तो फिर आपको बाय मैसेज या ईमेल आपको रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपकी जो है वो रेजिडेंट परमिट इज़ रेडी टू कलेक्ट। तो मुझे मैसेज आ गया था, तो आज मैं कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जो बिल्डिंग आपको पीछे नज़र आ रही है, दैट इज़ द कस्तूरा पुलिस हेडक्वार्टर, तो वहाँ चलते हैं और रेजिडेंट परमिट कलेक्ट करते हैं।
जी दोस्तों, तो सीन कुछ इस तरह का है कि रिसीट और पासपोर्ट लिए हम ये लाइन में लगे हुए हैं और ऑफिस टू बी ओपन, एंड देखें कितनी लंबी लाइन लगी थी। तो जितना अर्ली हो सके आप आएँ, जो आपका टाइम दिया हुआ है उसे 2-4 घंटे पहले ही आ जाएं। टोकन आता है, नंबर आता है हमारा, तो वी विल गो टू कलेक्ट दिस परमिसो। जी फ्रेंड्स, तो आज हमें ये परमिसो सुजोर्नो मिल गया है, थैंक गॉड। काफ़ी दिनों बाद जो है आई एम विथ माई परमिसो आउटसाइड दिस कस्तूरा। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरी कंप्लीट वीडियो थी अबाउट परमिसो सुजोर्नो रेजिडेंट परमिट है ना इटली। सो होपफुली मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, कि आपको किस तरह अप्लाई करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एंड क्योंकि ये डिपेंड करता है काफ़ी सिटीज़ पे कि कितनी पॉपुलेटेड सिटी है वो और कितना टाइम लग रहा है। बट डॉक्यूमेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, मगर टाइम डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा सिटी है, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। तो मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 3 महीने लग गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड प्लीज़ जो है वो आप लाइक किया करें, शेयर किया करें एंड सब्सक्राइब किया करें। फॉर दिस आई गेट मोटिवेशन एंड थैंक यू सो मच अगेन। एंड अगर कोई भी मुझसे रब्ता करना चाहता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड द लिंक व्हिच आई हैव गिवन इन बिलो दिस यू नो वीडियो। कोई भी हेल्प, कोई भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो, तो डू लेट मी नो अबाउट दिस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।